जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल हैं आप सभी के। मैं अमन मंजिल आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ए बी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों एक धमाकेदार अपडेट आप लोगों के लिए एंटी ने जारी किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बड़े ही ध्यान से, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट यहाँ पर होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों एनटीए का ये जो नया नोटिस है वो आपको यूजीसी नेट वाली जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट अब नई जो बनाई गई थी उस पर देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको एनटीए की ही ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। वहां पर आप लेटेस्ट की हेडिंग में जाएंगे तो इस तरीके से आपको विंडो देखने को मिलेगी, जहां पर आप सबसे ऊपर की ओर ये नया नोटिस देख सकते हैं। पब्लिक नोटिस है, एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द यूजीसी नेट दिसंबर 2020 साइकिल मे 2021 एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करते हैं रीड मोर पर तो आपके सामने नोटिस खुल जाएगा, और उस नोटिस में आप ऊपर की ओर देख सकते हैं 3 मार्च यानी कि आज की डेट यहाँ पर बताई गई है। और क्या बताया गया, सब्जेक्ट में एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द यूजीसी नेट दिसंबर 2020 साइकिल मे 2021 एग्जामिनेशन, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की लास्ट डेट थी जो कि 2 मार्च थी और अब उसे बढ़ा दिया गया है। बढ़ाया कितना गया है ये हम नीचे की ओर जाकर देख सकते हैं, सीधा सीधा यहाँ पर बताया गया है। एग्जिस्टिंग डेट क्या थी, वो थी 2 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक की, लेकिन अब इसे बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 2 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक, यानी कि 9 मार्च तक अब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। जिन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भरा था बेसिकली वो यहाँ पर खास तौर पे ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बता रखा है कि फीस के लिए यहाँ पर 3 मार्च बता रखा था, तो अब अपनी फीस जो है वो 10 मार्च तक भरी जा सकती है। तो यहाँ पर करेक्शन विंडो के लिए भी बता दिया गया है कि 5 फरवरी से 9 मार्च तक का आपको यहाँ पर बताया गया था, 5 फरवरी से लेके 5 मार्च आना चाहिए था गैस यहाँ पर, ठीक है ना, 5 मार्च आना चाहिए था, ये इन्होंने गलती कर दी, 5 मार्च आएगा यहाँ पर देखिए, 5 मार्च 2021 से लेके 9 मार्च 2021, और ये 12 फरवरी से लेके 16, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, 12 मार्च से 16 मार्च आएगा यहाँ पर भी, तो ये गलती कर रही है क्या, क्या चीज़, करेक्शन विंडो पहले से कैसे शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर एनटीए ने नोटिस में गलती कर रखी है, कड़ी कमाल की बात है। यहाँ पर 12 मार्च से 16 मार्च आना चाहिए और यहाँ पर 5 मार्च से 9 मार्च आना चाहिए। तो अभी इसको चेक कर लेते हैं, चलो अपने कहीं क्या बात हो रही है। खैर इन्होंने ये चीज की है, और एक बात तो ये थी यार, पहले भी मैंने कहा था कि ये एग्जाम जो है वो जून में ही लिया जाना चाहिए था, अब इन्होंने मई में अनाउंस कर दिया इसको, तो ये थोड़ा सा अजीब है कि ये मई में कैसे कर लेंगे, जून में ले लेते वो जो पहले इन्होंने कहा था कि हम जून और दिसंबर में एग्जाम लेंगे, तो वो बात भी यहाँ पर रह जाती, पर इन्होंने साइकिल लगा दिया वर्ड और कह दिया दिसंबर 2020 वाला ले रहे हैं हम एग्जाम। तो खैर अब ये वाला थोड़ा सा कन्फर्म करना पड़ेगा, 5 फरवरी गलती से कर दिया गया इन्होंने, ये कैसे कन्फर्म कर सकते हैं हमने, यहाँ पर पब्लिक नोटिस में देख लें, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जाके देख लेते हैं, यहाँ पर अपनों को पता लग जाएगा। थोड़ा सा नीचे की ओर जाएंगे तो समरी देखने को मिलेगी, यार ऐसी गलतियां तो नहीं होनी चाहिए एनटीए से, अगर एनटीए ऐसी गलती करेगी फिर एग्जाम क्या चलेगी हमारा। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर करेक्शन विंडो, ये देखो जी 5 मार्च बता रहा है ना, 5 मार्च से 9 मार्च, और अब इन्होंने बोल दिया कि भाई 5 फरवरी से गलतियां करती हैं एनटीए, कैसे कैसे एनटीए वाले हैं, बहुत मेजर मिस्टेक यहाँ पर एनटीए ने की है। खैर चलो अपनी नजरों के अंदर ये मिस्टेक आ गई, अब आप लोगों ने इन चीजों से सीखना है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट देखें तो उसमें ध्यान दें, ठीक है ना। अब एनटीए गलतियां कर दें, अब आप लोग अपनी गलतियां मत करना, एनटीए की इमेज तो कोई बात नहीं बिगड़ी हुई है एनटीए की इमेज तो, पर आप लोग एक लेक्चरर हैं तो आगे जाके जब आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हो कॉलेज के अंदर तो वहां पर आप ध्यान देना कि स्टूडेंट फिर आपके बारे में ऐसे बात ना करे कि ध्यान नहीं दिया, ऐसे गलती कर दी है, गलती कर दी। तो खैर मैं इस नोटिस को आपके लिए सही कर रहा हूँ, यहाँ पर 5 मार्च से लेकर 9 मार्च था, तो लेकिन अब ये 12 मार्च से लेकर 16 मार्च आपके लिए कहा जाएगा, ठीक है ना, फरवरी की जगह मार्च यहां पर आएगा। तो एनीवेज आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, यहां तक पहुंच गए तो वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है। और हमारा बैच बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, तो जो नया स्टूडेंट बैच के अंदर ज्वाइन करना चाहता है वो बैच को ज्वाइन कर सकता है, ऊपर स्क्रीन पर आप व्हाट्सअप नंबर देख रहे हैं 81144-76-310, यहां पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हमारे टीम मेंबर्स आपको बता देंगे कैसे आप बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।